क्षेत्र में अविरत कार्य करने वाले आरोग्य कर्मचारियों का समायोजन अभी तक सरकारी नौकरी में नहीं किया गया है, जिसके चलते कृति समायोजन समिति NHM कंत्राती अधिकारी कर्मचारी समिति की ओर से नागपुर से संविधान चौक पर आंदोलन किया गया, जहां आरोग्य कर्मचारियों ने जोरदार नारे देकर अपनी मांगें रखी। दरअसल 25 अक्टूबर से राज्य के आरोग्य कर्मचारी एवं अधिकारी हड़ताल पर है। उनका कहना है कि कोविड जैसी आपातकालीन स्थिति में भी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले कंत्राती अधिकारी कर्मचारी इनका समायोजन अभी तक सरकारी नौकरी में नहीं किया गया, जो कि उनके साथ अन्याय है। इस समय जानकारी देते समय समुदाय आरोग्य अधिकारी भोजराज पड़े ने जानकारी दी कि औरंगाबाद न्यायपीठ द्वारा समायोजन के समर्थन में फैसला सुनाया गया था, फिर भी सरकार इस मामले में निर्णय नहीं ले रही है, जिसके चलते कृति समायोजन समिति NHM कंत्राती अधिकारी कर्मचारी समिति की ओर से नागपुर स्थित संविधान चौक पर आंदोलन किया जा रहा है। इस वक्त भारी संख्या में आरोग्य कर्मचारी मौजूद थे, जहां उन्होंने नारे देते हुए अपनी मांगे रखी। हाँ, डॉक्टर भोजराज पड़वे समुदाय आरोग्य अधिकारी ना, हम सभी NHM कंत्राटी कर्मचारी और अधिकारी सब 25 अक्टूबर 2023 से काम बंद आंदोलन में सहभागी है, और हमारी एक ही मांगनी है कि हम सबको समायोजन किया जाए, क्योंकि गए 15 से 20 साल तक के लोग भी है जिनका समायोजन नहीं हुआ है अभी तक, और औरंगाबाद खंडपीठ ने ये निर्णय भी दिया है कि जिन लोगों को 10 साल हो गए हैं उन्होंने उनका समायोजन करना चाहिए, लेकिन हमारी गुजारिश है कि हम कंत्राटी कब तक रहे, क्योंकि एक कम से कम वेतन में हम काम कर रहे हैं जिसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना हमें TAD है, ना कोई सुविधा है, और ना छुट्टियों का कुछ प्रावधान है, जो प्रसूति रजा है वो भी नहीं है। तो ऐसे समय में हम लोगों ने कोरोना के काल में अच्छी कामगिरी की है, लोगों को सेवाएं दी है, कम से कम सरकार ने इसका तो भी ध्यान रखना चाहिए, और हम सबको समायोजन के अंतर्गत हमें कायम करना चाहिए, या फिर तब तक के ग्रेड पे लागू करना चाहिए। जब तक के ये चीज़ें होती नहीं, सरकार हमारी दखल लेती नहीं, मीटिंग बैठती नहीं, तब तक के ये आंदोलन चलता रहेगा और आने वाले अधिवेशन तक के ये चलेगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।